रीजेंसी हॉस्पिटल के सर्जिकल गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में रेजिडेंट हूँ। आमतौर पे लोगों में ये भ्रम पाया जाता है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो अपने बच्चों का ऑपरेशन के होने के बाद में ख्याल नहीं रख सकती हैं और ना ही उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम बात करेंगे मैम से। मैम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। हेलो, मेरा नाम जानवी सिंह है। मेरा कल ही रोबोटिक तरीके से ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर रिमूवल का, और मेरा भी 3 महीने का बच्चा है, और मेरे को भी इसी बात का डर था कि मैं इसका ध्यान रख पाऊंगी कि नहीं। पर मैंने डॉक्टर अभिमन्यु कपूर सर से कंसल्ट किया और सर ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल ऑपरेशन के बाद शाम से ही मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ और रात भर, और मतलब आज मेरा डिस्चार्ज भी हो जाएगा और मेरा बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेशन हो गया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके देखभाल करने में। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सारी ही न्यू मदर्स को जो अगर गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम से या मतलब जूझ रही हैं और दर्द सह रही हैं और बच्चे के चलते ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही, वो ज़रूर सर से आके कंसल्ट करें। सर ने बहुत ही मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट टीम है सर की, और सर खुद भी बहुत ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच मैम।